नमस्ते, मैं डॉक्टर आतिन बैनर्जी। आज हम लोग जो दिखाने जाएंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग चीज़ दिखाएंगे जहाँ पे वेट लॉस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत इफेक्टिव होता है। एंड इसके साथ साथ ये एडवांस आपका मशीनरीज है जहाँ पे वेट लॉस मैनेजमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं। हाँ, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये एक क्रायो लाइपोलाइजर मशीन है जहाँ पे ये मल्टी फंक्शन आपका मशीनरीज है। ओके, तो एक तो है हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ हम लोग काम कर सकते हैं। ये मैक्सिमम आपके यूज़ होते हैं हम लोग जो देखे तो वो है सिपिंग मैनेजमेंट में। जैसे मे बी आप वेट लॉस कर चुके हैं बट उसके पास में क्या होता है, आपका लव हैंडल ज़्यादा है, आपका साइड का फैट ज़्यादा है, टमी का ज़्यादा फैट है, सैगिंग हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इसके साथ साथ थाइस का फैट है, हिप्स का फैट है, आपका डबल चिन का फैट है। ओके, एंड आर्म्स का बेसिकली फीमेल का बहुत, किसी का आपका आर्म्स का बहुत फैट है। इसके इसमें क्या होता है, बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट आता है। ऑब्वियसली जो भी आप रिजल्ट आएगा मशीन के ऊपर डिपेंड मत करो, क्योंकि मशीन तो अपना काम करेगा बट कितना देना है कितना नहीं देना है, तो ये कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कौन सा डिजीज में देना है कौन सा डिजीज में नहीं देना है, वो एक स्किल्ड डॉक्टर या स्किल्ड आपका क्लिनिकल ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स को ही पता है। हम लोग उसका ट्रेनिंग देते हैं जहाँ पे वो चीज़ वो कर सकते हैं एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट। बिकॉज अथीन सैंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन या ये ऑल ओवर इंडिया में ये इट्स अ वन इंस्टीट्यूट जहाँ पे 100% साइड इफेक्ट फ्री क्लिनिक है। क्योंकि आप लोगों का बहुत लोगों का तजुर्बा ऐसा है जो आप लोग वेट लॉस कर चुके हैं, वेट लॉस हो गया बट वेट लॉस होके आपका डायबिटीज़ हो गया, और वेट लॉस होने के बाद आपका स्लिप डिस्क हो गया, आपका नी का पेन बढ़ गया। ठीक है, ऐसा बहुत कुछ होता है क्योंकि अभी हर कोई वेट लॉस मैनेजमेंट कर रहे हैं, हर कोई कोशिश कर रहे हैं जो आपको अच्छे से रिजल्ट दे। बट कोई भी चीज़ करने के लिए आपका एकेडमिक इसके साथ साथ स्किल्ड जॉब ट्रेनिंग जो है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में, मेडिकल अप्रोच में आपका ट्रीटमेंट होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल साइंटिफिक हॉलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मेडिकल आपका ये एविडेंस बेस्ड आपका प्रैक्टिस है। एविडेंस बेस्ड का मतलब क्या है, जो आपका ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो आपका एडवांस अप्लायंसेस है, ये सही में इफेक्टिव है। ओके, तो वो चीज़ हम लोग वो करते हैं। और कोई भी चीज़ में मैं बार बार बोलता हूँ, स्किल्ड जो लोग हैं, जो लोग का तजुर्बा है उसके हाथ से ही लो। तो आज हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कैसे आपका क्रायो लाइपोलाइजर को इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यूज़ किया जाए। तो क्रायो लाइपोलाइजर ये इट्स अ क्रायो लाइपोलाइजर आपका एडवांस आपका वेट लॉस एंड सेपिंग मशीन है। तो जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप हम लोग देखेंगे, जो ये हम लोग बोलते हैं कूल कर्प्टिंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आपका जो फैट है ये फैट को फ्रीज कर देते हैं। ये एक सर्टेन स्पेस पे हम लोग मॉनिटरिंग दिखाएंगे। तो ये क्या करेगा, आपका जो फैट का सेल है तो ये अंदर में एक तो वैक्यूम होगा, इसके साथ साथ आपका क्या होगा, अंदर में आपका -12 degrees तक आपका हीट आपका जो है जो फ्रीज हो जाता है। तो फैट का जो सेल है, जो एडिपोज टिश्यू है, वो फ्रीज हो जाता है, उसके जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता है एंड वो ऑलरेडी आपका जो हम लोग जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसमें आके ब्लड में चला आता है। तो उसके बाद एज ए एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाता है एंड विथ प्रॉपर बैलेंस डाइट, नेगेटिव कैलोरी बैलेंस हम लोग देते हैं आपको, तो उसमें क्या होता है, आपका फैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज हो जाता है। ओके, तो इसका जो हम लोग चैनल नॉर्मली हम लोग देखेंगे, जो ये फूल कर्प्टिंग का हम लोग नॉर्मली जो हम लोग देखेंगे, एक चैनल है, दो चैनल है या प्रोब्स भी हम लोग बोलते हैं, तीन चैनल है एंड चार चैनल है। ठीक है, एक एक जगह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इस बहुत स्पेसिफिक फैट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ आपका कीज है, मेन कीज है, इसको आपको ऑन करना है, ये ऑलरेडी ऑन है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इट्स ऑफ मोड एंड इट्स ऑन मोड। ओके, फॉर सेफ्टीज एंड वो बीइंग, क्योंकि ये इसमें सो मेनी फ्रिक्वेंसीज रहते हैं जिसमें आपको बी केयरफुल उस पर आपको रखना पड़ता है। तो वो करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इट्स वन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। यू कैन सी द मेम्ब्रेन, यू कैन सी द मेम्ब्रेन एंड ये कटा हुआ है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये यूज़ करने से पहले यू कैन सी इट, इट्स लाइक एडिसिव थिंग्स हैं एंड वाटर ये है इसमें। ओके, तो इसको खोलना है। ये खोलने के बाद क्या करना है, जैसे हम लोग वेट जॉइंट किया वो यूज़ करते हैं, तो स्पेसिफिक एरिया में जो हम लोग का स्केल रहता है, वो स्केल में कौन से एरिया में आपका फैट रिडक्शन करना चाहते हो, वो एरिया में हम लोग क्या करते हैं, वो स्केल से डिमार्केशन करते हैं, डिमार्क करते हैं जो ये एरिया में हम लोग फैट रिड्यूस करना है, या लोअर एब्डोमेन में फैट रिड्यूस करना है, या अपर एब्डोमेन में किसका फैट है, या साइड में है किसका, हिप्स का फैट है। ठीक है, हिप्स में कहाँ ज़्यादा है,
किसी का थाइस का है, किसी का इनर थाइस का है, किसी का आर्म्स का फैट ज़्यादा है, या किसी का आपका डबल चिन जो हम लोग देखते हैं डबल चिन का फैट ज़्यादा है, ठीक है। तो हर एरिया का आपका फैट रिडक्शन में ये बहुत एडवांस तरीके से आपका काम करते हैं एंड इट्स बहुत इफेक्टिव है। तो हम लोग सबसे पहले ये ऑन करने के बाद हम लोग क्या किए ऑपरेटिंग में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड कर लेंगे। तो ये करने के बाद आपका ऑलरेडी डिस्प्ले जो है ये डिस्प्ले ऑन हो गया। में फिर क्या देखें, हम लोग ऑलरेडी मोड देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग मोड देख रहे हैं। तो नंबर वन मोड इज क्रायोलाइफ प्लाजा, जो कूल कटिंग हम लोग करते हैं। नंबर टू इज कैविटेशन, तो कैविटेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो 40 किलो हर्ट्ज का है। फिर हम लोग जो रेडियो फ्रिक्वेंसी बॉडी का कोई भी जगह में हम लोग पार्ट में आपका अगर टाइटनिंग टोनिंग फॉर्मिंग करना है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी हम लोग अप्लाई करते हैं। फिर फेस का जो अगर फेस लिफ्टिंग करना है टाइटनिंग टोनिंग फॉर्मिंग करना है तो फेस को हम लोग यूज़ करते हैं। एंड इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, लेज़र यूज़ करते हैं। तो ये लेज़र आपका कहाँ पर यूज़ होगा, लेज़र मान लो जो हम लोग मसल स्टिमुलेट करते हैं और बहुत डीप हम लोगों को वो चाहिए तो ये लेज़र हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट वो, तो मैं मॉनिटरिंग में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो आपका ये है कूल कटिंग, ये आपका है कूल कटिंग। तो यहाँ पे वैक्यूम होगा एंड इसके साथ साथ आपका -12 डिग्री तक आपका ये फ्रीज हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इसका ये है, ये प्रोब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है फैट फ्रीजिंग सिस्टम। तो ये करने के बाद पहले क्या करेंगे हम लोग, मैं ऑलरेडी बोल दिया जो आपका सेप्टम जो है मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन को आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, ये क्रायो लाइपोलाइजर जो आपका है इसको हम लोग ऑन करेंगे, ठीक है। इसको ऑन करेंगे और थोड़ा सा डिटेल्स का, तो हम लोग का जो प्रोब्स है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो प्रोब यहाँ पर दिखा रहा है 1 2 3 4। तो इसमें क्या होता है, टाइमर है, टाइमर को मिनिमम 20 मिनट दे सकते हो, मैक्सिमम आप 30 मिनट दे सकते हो, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो 30 मिनट के लिए या कम कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका जो है ये आपका वैक्यूम मोड है, ठीक है, एक सिंगल का मैं सेटिंग कर रहा हूँ। तो वैक्यूम मोड अगर कोई पेशेंट को हम लोग मोड वन पे पहले देते हैं बिगिनर्स में, तो उसको फिर बढ़ाने के लिए वैक्यूम मोड हम लोग दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इसमें, ओके। वैक्यूम मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं जो कितना वो करके। तो ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम पावर एंड परसेंटेज, कितना परसेंटेज आपको वैक्यूम, 10% 20% कितना परसेंटेज वो करना है, तो यहाँ से हम लोग बढ़ा सकते हैं। एंड ये आप देख रहे हैं कूलिंग लेवल, कूलिंग का हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम बिगिनर्स के लिए 0.5 डिग्री हम लोग -5 डिग्री टेम्परेचर कर सकते हैं। तो हम लोग ये धीरे धीरे हम लोग बढ़ा के ये हम लोग 12 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो 12 डिग्री तक ये माइनस हो सकते हैं, टेम्परेचर गिर सकते हैं एंड आपका जो फैट का सेल है ये एकदम फ्रीज्ड हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे टेम्परेचर कितना है पेशेंट का, वो भी हम लोग देख सकते हैं, जो 29 डिग्री टेम्परेचर इसलिए कम ज़्यादा होता है। तो ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सेट करेंगे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल प्रोब्स। तो कोई प्रोब्स मान लो 2 टमी में दे दिया, 2 आर्म्स में दे दिया, हाँ, तो ये मल्टी एरिया में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो एक प्रोब्स यहाँ दे दिया आर्म्स में, एक प्रोब्स आर्म्स में दे दिया, 2 प्रोब्स आप साइड में दे दिया, ठीक है, ऐसे करके हम नहीं यूज़ कर सकते। कूल कटिंग का और एक चीज़ है जो हम लोग जो देखेंगे वो है ये, तो ये फॉर हम लोग जब यूज़ करते हैं तो ये डबल चिन जो है, डबल चिन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसे करके यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर सिंगल पार्ट, ओके। ये करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जब सेटिंग कर लिए तो ये हम लोग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये स्टार्ट बटन को प्रेस कर सकते हैं, ओके। जब स्टार्ट बटन को इंडिविजुअल प्रेस करेंगे तो ये वैक्यूम का मोड वगैरह जो भी है जैसे आपका ये बढ़ सकता है कम हो सकता है, तो उसके बाद ये ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा, बढ़ेगा कम होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, कूल कटिंग को ऐसे करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड कूल कटिंग को जब यूज़ करेंगे इसका मेन जो है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, ड्रेनेज करना पड़ता है जो लोकल एरिया जो है, लोकल एरिया को आप ड्रेनेज कर सकते हो, ठीक है। जो हम लोग ऑलरेडी ड्रेनेज कैसे करते हैं सिखाते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है जब फैट का सेल फ्रीज हो जाता है तो फ्रीज होने के साथ साथ कुछ पार्टिकल्स भी अंदर में रहता है, तो बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि इसमें हर पार्टिकल्स को जब आप एक सीटिंग दे दिए, महीना में मान लो आप 2 सीटिंग्स दे सकते हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट एरिया में,
हर वीक में आप सिटिंग दे सकते हो एक तरीके, तो वो करने के बाद आपको ऐसा करना है ओवरलैपिंग ट्रेडमिल, वो में आपको वो एरिया को ब्रेक करना है, ठीक है, जब फ्रीज हो जाएगा एंड फिर प्रॉपर ड्रेनेज करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। ये बहुत ज़्यादा कारीगर तभी होगा, जो असरदार तभी होगा। इसके साथ साथ हम लोग जब देते हैं जो क्रैश डाइट देते हैं या लिक्विड डाइट देते हैं, कोई भी पेशेंट जो है अगर लिक्विड डाइट में इनको देखे तो आतीन में, मैं डॉक्टर आतीन मैन जी ऑलरेडी डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड डाइट आप लोगों को देता हूँ, जो कैसे लिक्विड डाइट किया जाता है, तो वो लिक्विड डाइट बहुत असरदार है, तो अच्छा खासा आपका वेट लॉस भी होगा हर महीने में आप अगर प्रॉपर वो करेंगे विद लिक्विड डाइट। आपका नहीं होगा 10 kg से 12 kg तक, आप 10 से 12 kg तक आप वेट लॉस कर सकते हो अंडर मेडिकल सुपरविजन, ओके। इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग आएंगे विद, ये आपका गया जो स्कूल कुल कटिंग आपका कैसे होता है, ओके। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक अप्लाई करके देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये सेट किया और ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, ये क्रायोलिक्विलाइजर को हम लोग यहाँ ऑन करते हैं, आप देख रहे हो जिसका प्रोब में भी आपका डिटेल सेटिंग्स आ गया, जो सेटिंग्स डिस्प्ले में है। तो यहाँ से हम लोग ये आपका जो प्रोब है ये ACE2 है, 2 नंबर प्रोब है, तो यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं, जो आपका आगे पीछे कर सकते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे इसका जो मोड है तो ये वैक्यूम का मोड को आगे पीछे कर सकते हैं 2 या 3, ठीक है। फिर वैक्यूम का परसेंटेज को इसको सेट कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ कितना डिग्री इसको हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड यहाँ पर ऑलरेडी दिखा रहा है। तो मैं ये करने के बाद ऑलरेडी इधर में क्या किया, प्रेस किया पूरा, ओके। करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, ये फ्री स्टार्ट हो गया, स्टार्ट कर दिए, ऑलरेडी ये ग्रिप हो रहा है। ये करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे ऐसे करके, ठीक है। कोई भी एक एरिया के लिए आप यूज़ करते हो, कोई भी एरिया के लिए आप पैक का वो यूज़ कर सकते हो, तो ऑलरेडी मेम्ब्रेन मैं यूज़ कर दिया, तो करने के बाद इसको दिया। फिर हमको कैसा फील हो रहा है पेशेंट का, ठीक है आपका, ठीक है, जैसा फील हो रहा है तो हमको अगर परसेंटेज चाहिए जो और भी ज़्यादा फ्रीज करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फ्रीज कर सकते हैं, यहाँ परसेंटेज वाइज हम लोग कम कर सकते हैं, और भी जो वैक्यूम का पावर और भी बढ़ा सकते हैं, 20 तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा हो रहा है, ओके, कम करो, ये परसेंटेज और वैक्यूम मैं कम कर दिया, ये ठीक है, हाँ ठीक है, ये कर दिया। करने के बाद आपका ये फ्रीजिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रीजिंग को भी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, तो 6% तो मैं क्या सर 5, इसमें हम लोग फ्रीजिंग को धीरे धीरे, अब थोड़ा सा पास में दिखाओ, थोड़ा सा पास में आइए, ये फ्रीजिंग का जो है, फ्रीजिंग का 6% है, -6, ठीक है, ये परसेंटेज हम लोग कर सकते हैं, या अप टू हम लोग 11 -11 degree तक हम लोग फ्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे आपका ऑलरेडी 30 मिनट रहेगा, तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक एरिया, ये फॉर डेमोस्ट्रेशन है, कोई भी स्पेसिफिक एरिया में हम लोग ये आपका जो कूल कटिंग है इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम लोग क्या दिखाने जा रहे हैं, वो होता है जो आपका कैविटेशन अल्ट्रासाउंड कैविटेशन 40 kHz का जो आपका मशीनरीज है वो हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं, इट्स ऑल क्रायोलिक्विलाइजर आपका मशीन, आपका ये मल्टी वर्कर है। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो मतलब कैविटेशन यूज़ करेंगे, कैविटेशन कहाँ यूज़ करते हैं, बहुत स्पेसिफिक एरिया में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक एरिया का आपका अगर फैट है तो वो स्पेसिफिक एरिया का फैट रिडक्शन आप कर सकते हो। इसमें नहीं आराम 30 मिनट्स टाइम लगता है, अगर टमी में देना है तो 15 मिनट्स एक साइड में दे सकते हो, 15 मिनट्स दूसरा साइड में दे सकते हो। इसका 3-4 मूवमेंट्स है जो कैसे देंगे, तो और भी जितना भी मैं कैविटेशन दिखाया तो आप वो नॉन सर्जिकल लिपोसक्शन वीडियो में आप देख सकते हो। तो नॉर्मली हम लोग जब कैविटेशन यूज़ करते हैं तो इट्स अ कैविटेशन, ठीक है, तो ये कैविटेशन का प्रोब है। हाँ, तो ये कैविटेशन में क्या कैसे मॉनिटरिंग करते करना होता है हम लोग बोलेंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, वो एरिया आपका ओपन करना पड़ता है और इसके साथ साथ आपको अल्ट्रासाउंड जेल वहाँ यूज़ करता है वो प्रॉपर आपका जो वे पास करने के लिए। तो फिर हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो ऑलवेज जब ये कैविटेशन यूज़ होगा तो मिनिमम 700 से 800 ml पानी पीना है आपको, बी केयरफुल अदरवाइज कभी
इतना थोड़ा सा आपका हियर साउंड आता है तो आपका हेडफोन यूज़ कर सकते हैं, तो जिसमें साउंड आपका कम लगेगा। जिनके ईयर का प्रॉब्लम है उनको नहीं देना है, या हार्ट का पेशेंट को नहीं देना है। ओके, तो इसके साथ साथ क्या होता है, आप ऑलरेडी अल्ट्रासोनिक जेल यूज़ करोगे तो देन स्टार्ट विथ दिस। ओके, तो यहाँ से आपको करने के बाद पहले क्या क्या करना पड़ेगा, आपको रोटेट करना पड़ेगा। ओके, हाँ, जैसे स्पायरल मूवमेंट होता है एकदम बहुत स्लो, एक रोटेशन में नेरोटापा मिनिमम 50 से आपका 100 सेकेंड, ठीक है, ये होना चाहिए। जितना कम आप धीरे धीरे जाएंगे उतना आपको अच्छा से रिजल्ट मिलेगा। तो आप क्लॉकवाइज आप करते गए स्पायरल मूवमेंट में ये बिगर टू बिगर होता जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। ये करने के बाद नेक्स्ट आपको जो करना है, तो ये करने के बाद आपको स्क्वायर मूवमेंट करना है। फिर स्क्वायर में आए, स्क्वायर मूवमेंट किए, रेक्टेंगल मूवमेंट, फिर हम लोग फिर ये रेक्टेंगल बड़ा करते जाएंगे, फिर रेक्टेंगल बड़ा करते जाएंगे, पूरा टमी या कोई भी स्पेसिफिक एरिया आप दे सकते हो। ओके, ये करने के बाद फिर आपको क्या करना है, एक एक एरिया पकड़ पकड़ के करना है। एक एरिया 30 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक एरिया को टारगेट करेंगे मैक्सिमम। कभी भी हम लोग जब एडवांस मशीनरीज अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिमार्केशन कर लेते हैं जो कौन सा एरिया का फैट ज़्यादा है वो एरिया में फोकस कर, ठीक है। तो ये आपका पूरा वैसे पूरा टमी होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, मसल्स का आपका इंसर्शन टू ऑरिजिन धीरे धीरे, यहाँ का रेक्टस एब्डोमिनिस है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे 100 में, मिनिमम 80 से कम मत आओ। ओके, तो ये पूरा पोजीशन हम लोग कर लिए। करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्म्स में दे सकते हैं या ब्रेस्ट में दे सकते हैं, फेस में दे सकते हैं, एवरीवेयर यू कैन यूज़ अंडर गाइडलाइन आफ्टर ट्रेनिंग फ्रॉम अथीन्स एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन। तो ये करने के बाद हम लोग जो देखेंगे अभी इसका मॉनिटरिंग कैसे होगा, कैसे हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे। तो हम लोग ये आने के बाद फिर हम लोग कैविटेशन को ऑन किए, तो अभी आपको कैविटेशन दिखा रहे हैं। तो नंबर वन टाइमर को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से तो 25 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ जो आपका मोड है कैविटेशन का, जो आपका इंटेंसिटी जो है, कौन सा मोड में, नंबर वन मोड है, M1 आप देख रहे हैं, फिर M2 है, M3 है, M4 है, ऐसा करके आपका मूड है, ठीक है। तो आपका M3 तक दे सकते हो। देन अभी कैविटेशन का पावर, कितना पावर में आप कैविटेशन दे सकते हो परसेंटेज वाइज, फिर हियरिंग का भी आपका वो ज़्यादा बढ़ जाएगा जो कान में लगता है। तो यहाँ से हम लोग 10%, 20%, तो बिगिनर्स कम से देना है, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है अकॉर्डिंग टू मेडिकल कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू इफेक्ट ऑफ क्लाइंट एंड अकॉर्डिंग टू टॉलरेबल लेंथ ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट कितना ले पा रहे हैं, ऐसा नहीं जो हम लोग बहुत जगह देखे बहुत हाई इंटेंसिटी या हाई पावर से हम लोग दांत मुंह ऐसा करके चीज लिए तब भी ले रहे हो तो ये उसमें रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। तो हम लोग लॉन्ग टाइम देते हैं तो हर वक्त क्या इंटेंसिटी कम में देते हैं जिसमें अच्छे से बढ़िया से रिजल्ट आते हैं। तो ये सब करने से, जितना भी एडवांस मशीनरीज हम अभी दिखा रहे हैं वो करने से, आपको पहले आपका जो सेल का बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, ये सब आपको अच्छी तरह से जान जाओ अंदर में क्या हो रहा है, अदरवाइज 100% साइड इफेक्ट होने का भी चांस है। इट्स नॉट जिसका इफेक्ट होता है उसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है जो आपका डॉक्टर्स के ऊपर, जो हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। तो ये हम लोग फिर ये करने के बाद कैविटेशन का पावर ऑन किए, फिर हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने से फिर ये ऑन हो जाएगा। हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट करेंगे तो फिर ये स्टार्ट हो गया, उसके हिसाब से दे सकते हैं। फिर हम लोग ऑलरेडी स्टॉप कर रहे हैं या पॉज कर सकते हैं, पॉज करके फिर आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, कैविटेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग आएंगे यहाँ से बैक आएंगे, तो अभी जो हम लोग चलते हैं, हम लोग दिखेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट फॉर वेट लॉस मैनेजमेंट एंड सेपिंग मैनेजमेंट। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी का मैक्सिमम जो इफेक्टिव है एंड असरदार है वो क्या करते हैं, वो फर्मिंग, टाइटनिंग, टोनिंग में आपका यूज़ होता है। जो कोई भी जगह आपका आर्म्स झुल गया, आप आर्म्स का आर्म ज़्यादा बहुत झुल रहे हैं, लटक रहे हैं, या आपका पेट बहुत ज़्यादा लटक रहे हैं, वो जगह में आप क्या कर सकते हो, रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज़ कर सकते हो। तो वो बहुत आपका सदर या फेस का आपका है, फेस थोड़ा सा ऐसे आपका लफिंग लाइन आ गया, रिंकल्स आ गया, तो ये लाइन को आप ये रेडियो फ्रिक्वेंसी से आप लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अभी आएंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी में, इट्स अ हेक्सा पुल ऑफ
ये आपका हेक्सा पुलर है, आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट आपका पोल है, ये पोल में ये काम करते हैं। तो ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑलरेडी अल्ट्रासोनिक जेल पे यूज़ करेंगे। जेल पे यूज़ करने के बाद वही जैसे हम लोग ऑलरेडी जब यूज़ करेंगे तो इसको भी क्या करना पड़ता है, मसल्स का इंसर्शन टू ऑरिजिन ऑलवेज बहुत इफेक्टिव आपका करने के लिए, वो नंबर वन। सेकेंड ऑन आप क्या कर सकते हो, तो मायोफिशिया जो आपका सुपरफिशियल फ्रंट लाइन है, डीप आपका फ्रंट लाइन है, डीप फ्रंट लाइन एकदम यहाँ से आके एकदम सीधा आके यहाँ तक जाता है, ठीक है। एंड आपका डीप फंक्शनल लाइन है, ये आपका जो 12 जो चेन है, बट तीन मोस्ट इफेक्टिव है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आपका जो ये प्रूफ्ड है, सुपरफिशियल फ्रंट लाइन, सुपरफिशियल बैक लाइन एंड डीप फ्रंट लाइन, ठीक है। ये तीनों प्रूफ्ड है, एविडेंस बेस्ड है। बट जो लोग मायोफिशियल जानते हो, मायोफिशियल के ये आप अगर यूज़ करेंगे मायोफिशियल लाइन पे, एक्सेलेंट रिजल्ट होगा, यूका निमाजिन जो ये रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये करने के बाद हम लोग अभी ऑपरेटिंग दिखा रहा है जो कैसे ऑपरेट करेंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये ऑलरेडी क्रायोलाइपोलाइज और अप्लायंसेस है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी बॉडी आपका आरएफ को हम लोग ऑलरेडी चूज़ किए, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जो टाइमर है तो टाइमर आप ऐड कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो, 30 मिनट कर सकते हो। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, आरएफ का मोड है, नंबर वन प्रोग्राम, नंबर टू प्रोग्राम, नंबर थ्री प्रोग्राम, तो मोड वन, मोड टू, मोड थ्री, ऐसे आप इसको बढ़ा सकते हो। फिर आपको क्या करना पड़ता है, आरएफ का जो पावर है वो पावर बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो 5% 10% वैसे करके बढ़ा सकते हो। बढ़ाने के बाद क्या करना है, आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना है एंड इसको यूज़ करना है, ठीक है। और आपका बीच में अगर ज़्यादा लग रहा है, जो पेशेंट का ज़्यादा फ्रिक्वेंसी लग रहा है, तो वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, पॉज करके फिर रीसेट कर सकते हो, ये आपका सिस्टम है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे आरएफ को हम लोग लेंगे, तो एक तो मैं बोला जो आपका ओरिजिन इंसर्शन के तरफ आप देंगे मसल्स का ओरिजिन टू इंसर्शन, तो डिफरेंट मसल्स का कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है वो आपको देखना पड़ेगा। आरएफ में जब करेंगे तो कोई भी ट्रीटमेंट जब आप क्रायोलाइपोलाइजर करेंगे तो ड्रेनेज इज मैंडेटरी, ड्रेनेज पहले भी कर लो एंड आफ्टर आपको ड्रेनेज करना है, ठीक है। तो ड्रेनेज में हम लोग क्या देखेंगे, ये इंग्विनल आपका लिम्फ नोड है या पैरावोटिक, ये दोनों जगह में क्या होता है, पैरावोटिक लिम्फ नोड है या हाइपोगैस्ट्रियम लिम्फ नोड है, तो लिम्फ नोड में भी ड्रेनेज करना है। हर आपका 5 मिनट्स में आपको ड्रेनेज करते जाना है, देन यू कैन गेट एक्सेलेंट रिजल्ट, क्योंकि सो मेनी वेस्टेज प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट तैयार होते हैं अंदर में जहाँ पे आप ड्रेन कर देंगे, ठीक है। और इसमें भी पानी पीना मैंडेटरी है एंड डिफरेंट आप अगर इसमें मान लो दालचीनी या सिनेमन का अगर पानी देते हो ना, तो ये बहुत इफेक्टिव है, असरदार है, बहुत अपना इफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, हर जगह यहाँ पे कर सकते हो, या आप आर्म्स में कर सकते हो, आप चेस्ट में कर सकते हो, बैक में कर सकते हो, होल बॉडी का जो स्पेसिफिक पार्ट में आप कर सकते हो, ये जैसे आप कर सकते हो। तो इसके साथ साथ आपका फेस का भी प्रोब है, ठीक है, ये फेस का भी प्रोब है, इसका फेस का भी प्रोब है, तो फेस में भी आप जो है जो रिंकल्स लाइन और वो के लिए आप यूज़ कर सकते हो सेम वे में, ओके। तो ये मैं ऑलरेडी दिखा दिया जो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आपका कैसे यूज़ होता है। तो आई थिंक जो भी फर्मिंग का टेक्निक है, क्योंकि अथिन्स में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मिंग टेक्निक दिखाते हैं, हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट भी दिखाते हैं और एडवांस और इंटीग्रेटेड जो ट्रीटमेंट है वेट लॉस मैनेजमेंट उसमें भी दिखाते हैं। तो इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन जो कैसे होता है। एंड इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग क्या देख लें, फिर यहाँ पे बैक आ जाएंगे। तो हम लोग क्रायोलाइपोलाइजर हम लोग देख दिए, कुल कटिंग कैविटेशन दे दिए देख लिए, और ऑलरेडी जो बॉडी आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम लोग देख लिए। ओके, तो अभी हम लोग जो चलते हैं, अभी हम लोग देखेंगे लेज़र ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे। जो लेज़र ट्रीटमेंट में क्या होगा, जब भी हम लोग कूल कटिंग करते हैं या कोई भी हम लोग आपका मैनुअल ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद लेज़र ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं जो अंदर में सेल और भी एक्टिव हो जाए, और भी सर्कुलेशन बढ़ जाए, और भी न्यूट्रिशनल सप्लाई बढ़ जाए। एंड इसके साथ साथ क्या होगा, और भी आपका टाइटनिंग टोनिंग फॉर्मिंग एंड लेज़र में भी क्या होगा, वेट लॉस में भी आपका एनहेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं ये क्रायोलाइपोलाइजर आपका एडवांस एंड इंटीग्रेटेड आपका अप्लायंसेस है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये लेज़र है, लेज़र पैड है। तो ये नैरोबोट आपका 6 पैड है, एक एक साइड में यहाँ पे 6 पैड है, यहाँ पे 6 पैड है, आप एक बार दिखा दो। हाँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 पैड है मेरे हाथ में, एक है 2 3 4 5 6, और फेस के लिए और उसके लिए भी ये दे सकते हो, जो छोटा एरिया के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हम लोग कर देंगे,
ओके। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ये इसको हम लोग ले, फिर हम लोग जब ऑपरेटिंग करेंगे फिर लेज़र को हम लोग चूज़ करते हैं। लेज़र चूज़ करने के बाद ऑलरेडी आपका ऐसा आपका डिस्प्ले आता है, तो डिस्प्ले हम लोग टाइमर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, 30 मिनट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड ऑटो लेज़र मोड यानी डिफरेंट टाइप ऑफ वो खुद से कर सकते हैं, या आप भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो लेज़र का जो प्रोग्रामिंग है। लेज़र वन है, मोड वन लेज़र, लेज़र टू है एंड लेज़र थ्री है, तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो, तीन आपका मोड है। एंड इसी के साथ साथ दूसरे भी जैसे हम लोग दिखाए, तो लेज़र का पावर परसेंटेज ऑफ लेज़र का पावर आप देख सकते हो, या 10% या 20%। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ये जो आपका प्रोब्स है, जो आपका ये जो आपका इलेक्ट्रोड है लेज़र का, तो ये नंबर वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट। तो ऐसे करके आप चूज़ कर सकते हो कौन सा में आप कम ज़्यादा करना चाहते हो, एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद में आपको स्टार्ट प्रेस करना है। जो ये लेज़र क्या करना है, आपको जैसे एब्डोमेन में जैसे मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन जैसे है, तो ओरिजिन और इंसर्शन के हिसाब से हम लोग लगाएंगे ऐसे करके लेज़र में। तो ऐसे ये लगा सकते हैं, फिर ऊपर एक या साइड से आप अगर लगाएंगे तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो ये आर्म्स में भी लगा सकते हैं, हिप्स में भी, थाइस में, जैसे मैं पैट प्लेसमेंट दिखाया और भी वीडियोस में, तो वैसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी ये करने के बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करने से फिर ये क्या होगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा लेज़र का जो मूवमेंट्स है। तो आप देख रहे हो तो हर जो लेज़र है ये ऑलरेडी मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये ऑन कर दिया। तो आप अगर सब ऑन करेंगे तो ये ऑलरेडी ऑन हो जाएगा। ओके, यू कैन सी दिस, जो आपका ये आर्ट जो लेज़र का वो है, तो ये ऑलरेडी ऑन ऑफ हो रहा है। यू कैन सी अंदर में आपका इसके हिसाब से काम चल रहा है। तो ऐसे करके आप इसमें इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, अभी तक 100 तक लेके जा सकते हो। तो यू कैन सी दिस, ओके। तो ये जब कंप्लीट हो गया फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑलरेडी स्टॉप करेंगे और फिर बैक में आ जाएंगे। तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, एक क्रायो लाइपोलाइजर जो एडवांस इंटीग्रेटेड जो हम लोग अप्लायंस अभी देखे, जो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो डिफरेंट मोड में आप इसको कूल कटिंग हम लोग बोलते हैं, जो आपका फ्रीज है, आपका जो फैट का सेल है वो फ्रीज कर सकते हैं। और ये कैप्टेशन भी हम लोग यूज़ किए, रेडियो फ्रिक्वेंसी भी दिखाए, एंड फेस का भी हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी दिखा दिए कैसे मॉनिटरिंग करना है, और लेज़र भी दिखाए, ठीक है। तो ऐसा करके पूरा एक कम्बिनेशन हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये बहुत ही असरदार है। एंड इसके साथ साथ एक चीज़ आप लोग याद रखो, आदमी से बढ़ के जो भगवान ने बनाया ह्यूमन का जो ब्रेन है, इससे बढ़ के कोई भी मशीन अभी तक तैयार ना हुआ है ना होगा, जो कि मशीन लगा देने से रिजल्ट हो जाएगा। सॉरी टू से, बिकॉज मशीन अपना काम करेगा, वो जहाँ पर भी देंगे उसका करेक्टर वही काम करेगा। बट आपका दिमाग है, आपका एडुकेशन है, आपका स्किल्ड है, जहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे क्या लगाना है, डायग्नोसिस करने एक बाब आता है। अदरवाइज बहुत लोग यूज़ कर चुके हैं, मशीन अभी आपका खरीद चुके हैं, बट उनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में मैं ऑलरेडी ओबेसिटी मैनेजमेंट का ऑलरेडी क्लिनिकल कंडीशन में ट्रेनिंग देता हूँ, और मेरा खुद का भी क्लिनिक है, तो बट उतना रिजल्ट बहुत लोगों का नहीं आता है। तो ऑब्वियसली आप जब चूज़ करो देन अथिंस एंड उपाई जो है ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर्स का ही चूज़ करो, जो लोग ये प्रोफेशन में आपको हेल्प करेंगे। एंड इसके साथ साथ हर कोई भी एंगल में, किसका इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन, कहाँ डायग्नोसिस करना है, आपका मेडिकल कंडीशन के हिसाब से बहुत आपका ये यूज़ होता है। मैं बोला हर कोई चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट डिपेंड करता है जो स्किल्ड बंदा है, जो स्किल्ड डॉक्टर्स है उसके ऊपर आपका साइड इफ़ेक्ट डिपेंड करता है। क्योंकि आपका बॉडी है जो आप दे रहे हो, तो आप स्किल्ड पर्सन को दो जिसको पता है, ठीक है। विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट रजिस्ट्रेशन, नो बॉडी वॉक ऑन दिस। तो आई थिंक एक आपको एक डिमो दे दिया कैसे एक चीज़ होता है, कैसे एक क्रायो लाइपोलाइजर जो एडवांस इंटीग्रेटेड आपका जो अप्लायंसेस यूज़ होता है फॉर वेट लॉस मैनेजमेंट एंड सिपिंग मैनेजमेंट फॉर्मिंग का। तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, और कोई भी आपका अगर क्वेरीज है, किसी का भी छोटा से छोटा क्वेरीज के लिए हम लोग तैयार है। मेरा आप व्हाट्सएप में पिंग कर सकते हैं 7980551069, एंड अथिंस एंटी ओबेसिटी डायबिटीज फाउंडेशन और ओबेसिटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ओपाई है, इसका भी आपको मेल नीचे डाला गया, मेल में भी आप लोग हेल्पलाइन वो कर सकते हो। कोई अगर क्लिनिक ओपन करना चाहते हो, या खुद को अपडेट करना चाहते हो, या ट्रीटमेंट भी चाहते हो ऑल ओवर इंडिया, देन वी आर विथ यू। एंड अगर जिन लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहे,
या कोई खुद को और भी अपडेट करना चाहते हैं जो आपका क्लिनिक है बट आप अपडेट करना चाहते हो तो फील फ्री ऑलवेज, हम लोग आपके साथ हैं। अगर ये आपका जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आपको अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दिस वीडियो। थैंक यू।